वैशाली नगर में रहने वाले शिक्षक कमलजीत सिंह छाबड़ा ने शिक्षक समुदाय संघ सिख समुदाय को भी अपनी करतूतों से शर्मसार किया है, जिससे सिख समाज के सहित शिक्षक समुदाय में भी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार की शाम छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले दुर्ग जिले के सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रधान एवं महिलाओं ने बहिष्कार रैली निकाली और शिक्षक के नाम पर दरिंदगी करने वाले कमलजीत सिंह छाबड़ा का पुतला उसके घर के सामने फूंका। वैशाली नगर क्षेत्र में 15 वर्ष की छात्रा के साथ उसे ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार की है। शिक्षक ने मैसेज करके पहले छात्रा को घर बुलाया, उसके बाद दरवाजा बंद कर अश्लील हरकतें करने लगा। जब अन्य छात्र पहुंचे तब जाकर छात्रा बच पाई। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत ही आरोपी कमलजीत सिंह छाबड़ा जो है वो 57 वर्ष की उम्र में है और यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उनके यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसी क्रम में उन्होंने पीड़िता जो है उसे कोचिंग से जो क्लास की टाइमिंग थी उससे कुछ समय पूर्व आने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किया। और जब वो बच्ची पहुँची तो उन्होंने अपने क्लासरूम में घर के ऊपर ही उन्होंने अपना एक कमरा बना के क्लासरूम खोला हुआ है, वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बच्ची के साथ छेड़खानी करी। कुछ ही समय पे अन्य बच्चे भी जो ट्यूशन का टाइमिंग था उसमें जैसे ही पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और पीड़िता जो है वहाँ से गई। और जाने के बाद में उसने ये सारा घटनाक्रम जो है पहले अपनी सहेली को बताया, काफ़ी डरी सहमी सी थी, फिर सहेली और उसको जब थोड़ी हिम्मत मिली तो वो मिल के फिर उन्होंने अपने परिजनों को बताया। तो रात को ये सूचना थाने में प्राप्त हुई और जैसे ही थाने में सूचना प्राप्त हुई तो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा आक्रोश था पूरे क्षेत्र में आसपास के लोगों में कि आरोपी तो फरार हो गया था पर सारे के सारे लोग उसके घर पे भी हमला करने की तैयारी में थे। फिर उन्हें थाना लाया गया, थाने ला के अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ आरोपी को सिविल टीम के द्वारा पता तलाश की गई, सभी उसके संभावित स्थानों को खोजबीन की गई, उनके परिजनों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई और आरोपी के मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल से लेकर सारी चीज़ें देखी गई। तो पढ़ाई के अलावा भी उसके मैसेजेस वगैरह मिले हैं। आरोपी के मोबाइल को भी जब्त किया गया है, जब्त करके उसमें विवेचना भी जारी है। आरोपी की रिमांड पर भेजा गया। सर कहाँ से पकड़ा गया आरोपी को? आरोपी अपने सुबह प्रातः काल के समय में स्थिति हुई थी क्योंकि रात में उनके परिजनों के माध्यम से हम उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे और जब उनको विभिन्न स्थानों पर खोजा जा रहा था तो यह भी प्रयास किया जा रहा था कि उसका कोई स्थायी लोकेशन हो, लेकिन उन्हें सुबह सुबह पकड़ाया जब वह स्टेशन की तरफ भागने के फिराक में था। इस मामले से जहाँ शिक्षक जगत आहत है वहीं सिख समाज भी काफी आक्रोशित है क्योंकि कमलजीत सिंह छाबड़ा शिक्षक होने के साथ सिख समाज से भी ताल्लुक रखता है। इसलिए सिख समाज का गुस्सा मंगलवार की रात फूट पड़ा और दुराचारी शिक्षक कमलजीत सिंह छाबड़ा का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले दुर्ग जिले के सभी गुरुद्वारों के अध्यक्षों एवं क्षेत्र की महिलाओं द्वारा विरोध रैली निकाली गई। तत्पश्चात कमलजीत सिंह छाबड़ा के घर के सामने शिक्षक समाज को शर्मसार करने वाले और सिख समाज को भी आहत करने वाले दुराचारी को पहले चप्पलों से पीटा गया, उसके बाद पुतला दहन किया गया। इस वाक्य से आक्रोशित सिख समाज ने कमलजीत सिंह छाबड़ा एवं उसके पूरे परिवार को सिख समाज से बहिष्कृत करने का फैसला किया है, जिस पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसबीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का सहित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दुर्ग के प्रधान अरविंदर सिंह खुराना ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया मीडिया को दी है। हमला ऐसा है कि करमजीत सिंह छाबड़ा जो कि एक कोचिंग चलाता है, कमलजीत सिंह छाबड़ा जो कि एक कोचिंग चलाता है, उसने पहले भी जो कोचिंग में बच्चियां आती हैं उनके साथ छेड़छाड़ी का मामला उसके विरुद्ध किया गया था। उसने वही कार्य इस बार फिर से किया। हम दाद देते हैं उस परिवार की बच्ची पे जिसने अपने मान सम्मान की जो ठेस लगी है उसको देख के उसने अपने परिवार को बताया और पूरे सिख समाज को बताया। आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने उस परिवार को, पूरे सिख समाज दुरुग भिलाई के पूरे सिख समाज ने आज उसके पूरे परिवार को बॉयकॉट किया है और उनका कोई भी लेन देन ना हो, किसी भी सिख समाज में लेन देन ना हो, गुरुद्वारे में किसी प्रकार का भी कार्यक्रम हो, उनका कोई भी गुरुद्वारा चाहे वो दुर्ग हो भिलाई हो, हम रायपुर तक की इसकी मांग करेंगे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम उनके समाज का ना लिया जाए। इस व्यक्ति ने पूरे सिख समाज का नाम शर्मसार किया है। जो सिख समाज पूरे विश्व में ये जाना जाता है, बलिदान के लिए जाना जाता है, कुर्बानी के लिए जाना जाता है, सेवा के लिए जाना जाता है, इस व्यक्ति ने पूरे सिख समाज का नाम शर्मसार किया है। उसके लिए आज पूरे सिख समाज ने ये पहल की है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत का हम पूरे सिख समाज धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये पहल ली और आज पूरे सिख समाज ने दुरुग भिलाई के सभी सिख समाज के हमारे भाइयों ने बहनों ने ये फैसला लिया कि उसे बॉयकॉट किया जाए, पूरे परिवार का बॉयकॉट किया जाए और
कोई भी लेन देन उस समाज से, इस परिवार से नहीं किया जाएगा। ये आज का पूरा मामला है। जैसे कि कल पता चला कि एक प्रिंसिपल है जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, तो कुछ बच्चियों के साथ दुराचार का मामला ये सामने आया था और उस पर सिख पंचायत द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे अंदर करवाया गया है। मगर बात ये यहाँ तक है कि यह इसका जो पुराना रिकॉर्ड है कमलजीत सिंह छावड़ा करके, इसका पुराना रिकॉर्ड भी जो इसी तरह का रहा है और कुछ मामलों में ये जेल में रह के आया है और इसी मामले में रह के आया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ जिन बच्चियों ने अपने परिवार को इस दुराचारी इस राक्षस के बारे में बताया कि ये राक्षस इस तरह का है और इतनी हिम्मत दिखाई है। और बहुत सी बच्चियां ऐसे होती है जो बताती नहीं है, 99% बच्चियां तो घर में बताती नहीं, इज्जत से डरती हुई खुदकुशी कर लेती है मगर बताती नहीं है। पर इन बच्चियों की मैं हिम्मत की दाद करता, बहुत हिम्मत की मैं करता हूं कि वाक्य में इन्होंने दिखाया जलवा अपना जज्बा दिखाया है और सिख पंचायत ने इनके साथ ये कदम उठाया और ये आज जेल में है। और सबसे बड़ी बात दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि एक सिख समाज जो ये पगड़ी है, जो हमारी पगड़ी है, ये लोगों की रक्षा करने के लिए है। ये हर धर्म जो है इस पे मान करता है, हर सिख पे मान करता है और ऐसे लोग इस पगड़ी को कलंकित कर रहे हैं, इस बात का हमें दुख लगा। आज वो बैठक हुई है, पूरी दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ की बैठक हुई है जिसमें इस परिवार का बहिष्कार किया गया है। केवल उसका नहीं, उसके परिवार का, क्योंकि ट्यूशन उसके परिवार में चल रहा था, उसके कमरे में सेपरेट कमरा रहता था, उसमें ट्यूशन पढ़ाता था। इस कारण उसके परिवार का भी आज जो है बहिष्कार किया गया है और गुरुद्वारे में कोई किसी तरह का इसका लेन देन, इसका जगह जगह इसका न्यूज में हर जगह में इसके पोस्टर लगाए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी ऐसा दुराचारी जो है हमारे समाज में नहीं चाहिए और ऐसा दुराचारी जो कलंकित है सिख धर्म के नाम पे कलंकित है वो भी नहीं चाहिए और ऐसा 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 कुछ सजा हो कि ये बाहर ही ना आए, क्योंकि ऐसा कहीं भी भारत में हम किसी देश में भी ऐसा लोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से वहां भी जाएगा वो यही काम करेगा और हमारी यही प्रशासन से मांग है कि ऐसे आदमी को छोड़ा ना जाए। मैं तो चाहता हूँ फांसी दी जाए, फांसी काम ही खत्म किया जाए, क्योंकि ये समाज के लिए ये बहुत घातक लोग हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। सो आज जो प्रोग्राम था ये इसी का रखा और बहिष्कार किया गया, बायकॉट किया गया पूरे परिवार का सिख पंचायत से। ये जो मामला बहुत एक दुखद घटना है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की बच्चियों को जो ये सावड़ा नाम का कलंक है जो ये सब किया है और उसके लिए रात से ही हम लोग उसको बंद करवाए हुए हैं और अभी फिर पूरा समाज इकट्ठा करके इसके उसका पूरे सिख पंचायत में बहिष्कार करवाया है, जो कि पूरा समाज पूरा ये परिवार किसी भी गुरुद्वारे में कोई प्रोग्राम नहीं कर सका। आज क्या कार्यक्रम किया है उसको लेकर के, पुतला दहन वगैरह? ये जो पहले अपना समाज की मीटिंग हुआ उसमें सभी लोग बहिष्कार के लिए सभी 100% राजी हुए और उसके बाद सभी लोग जहां आके उसके मोहल्ले में सभी को बताएं कि ऐसा एक मतलब दरिंदा है जिसको आप लोग सभी बहिष्कार करो, इसको जहां से भगाओ। इस पूरे मामले की जानकारी पीड़िता पक्ष ने भी मीडिया से साझा करते हुए ऐसे लोगों को समाज का दुश्मन बताया है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए शासन प्रशासन से फांसी की मांग की है। होती है ना, आठवीं से पढ़ रही थी, इसके पास लड़कियां भी पढ़ रही, सहेलियां भी पढ़ रही थी, आठवीं से पढ़ी है और वो आठवीं नौवीं दसवीं से ना, उसने दसवीं में शुरुआत में हम लोग भेजे हैं उसको जा करके, लड़कियां थी तो ये ना बदमाशी करने लग गया लड़की, मेरे पोती को अकेला रहने दिया, बोलता लड़कियों को जाओ तुम लोग इसको रहने दो, फिर उसको रख दिया उसने, फिर बोलता है बैठे बैठे बोलता है इसको लगाने से, हाथ लगाने से क्या होता है, इसमें हाथ लगाने से क्या होता है, ऐसे बोलने लग गया। खराब लगा हमको, अच्छा नहीं लगा। फिर पोती आई, फिर बताई, उसको छोड़ दिया, बोले सब लड़कियों को, हम लोग बोले तुम जाना नहीं, सब लड़कियों को छुड़वा दिए और पोती को बोले अब नहीं जाना। फिर इसका पैसा जो था वो उसको हम लोग दिए भी नहीं, थोड़ा बहुत कुछ था ना हमने नहीं दिए, तुम लोग अगर जाते रिपोर्ट देते तो ये तो और पहले ही मार खा चुका है, पहले ऐसी कांड हो गया है, उसको मार देना चाहिए, उसको फांसी दे देना चाहिए, ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिए। ठीक। जीवन के इस भवसागर में शिक्षक वह कश्ती है जिसके ज्ञान के सहारे भवसागर पार किया जा सकता है, परंतु ऐसे शिक्षक जो खुद दरिंदगी की हद तक गिर जाए, ये लोग समाज के लिए एक नासूर बन जाते हैं और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना भी लाजमी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।